सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग हिंदी के पार्ट को कवर कर रहे हैं और हिंदी जो कि आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में 60 नंबर की हिंदी आती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग हिंदी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग तत्सम और तद्भव कम्प्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग विशेषण और विशेष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें विशेषण और विशेष्य में हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा देखी, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण को गुण संख्या परिमाप या परिमाप के आधार पर हम लोगों ने उसे चार भागों में डिवाइड किया। ये सारी चीज़ें देखते हुए पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने तीन रूप से देखा था, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार, अर्थ के अनुसार। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम में मूल क्रिया विशेषण को देखा था, जिसमें रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद को हम लोग देख रहे थे, जिसमें तीन प्रकार थे, मूल, यौगिक और स्थानिक। मूल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम देखेंगे यौगिक। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है और इसकी कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यौगिक क्रिया विशेषण की। तो एक परिभाषा हम लोग सिंपल वे में देख लेते हैं कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हों, जैसे उदाहरण अगर हम लें, जैसे मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, पद जो प्रत्यय या पद जोड़ने पर। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है पद जोड़ने वाले, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहाँ पर। ठीक है, तो ये पद जोड़ने वाले शब्द हैं। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये नोट है, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा ये। तो यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम लें, तो उदाहरण में तुम रात भर में आ जाना,
ठीक है, तुम रात भर में आ जाना, तुम रात भर में यह पेपर ख़त्म कर देना, तो यहाँ पे जो है रात भर, ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं रात भर, ये आपके यौगिक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और भी चलिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं यौगिक क्रिया विशेषण में। अन्य उदाहरण अगर हम लें तो वह चुपके से सो रहा था, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह क्लास में, वह कक्षा में चुपके से सो रहा था। अब ये चुपके से जो है ये आपका यौगिक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब यौगिक क्रिया विशेषण की रचना कैसे होती है ये समझने वाली बात है कि यौगिक क्रिया विशेषण की रचना कैसे होती है, ठीक है। तो यौगिक क्रिया विशेषण की रचना कई प्रकार से होती है, उसको अब हम लोग समझेंगे। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं, तो अलग अलग एक एक करके हम लोग समझेंगे कि संज्ञा के आधार पर यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनेंगे, सर्वनाम के आधार पर यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनेंगे, विशेषण के आधार पर यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनेंगे, धातु और अव्यय के आधार पर या मेल से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनेंगे। तो देखिए संज्ञाओं की दुरुक्ति से, ठीक है, यानी कि संज्ञाओं के मेल से यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं। संज्ञाओं की द्विरुक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण कौन कौन से बनेंगे, जैसे घर घर, द्विरुक्ति माने दो शब्दों का मेल एक साथ, ठीक है, घर घर, घड़ी घड़ी, ठीक है, ऐसे घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो ये संज्ञाओं की द्विरुक्ति से यानी कि संज्ञाओं के मेल से यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दो दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से बनने वाले यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है, तो दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से बनने वाले यौगिक क्रिया विशेषण। अब दो भिन्न संज्ञा माने सवेरे, जैसे सवेरे, ये शब्द हैं, इन शब्दों को मिला के वाक्य बनते हैं, ठीक है, तो सवेरे, सायं, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। तो इस तरह से इन शब्दों को मिलाकर, ठीक है, दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से बनने वाले यौगिक क्रिया विशेषण हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करके हम बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण
कैसे बनते हैं। तो सर्वनाम में वो कौन से शब्द आएंगे जो कि यौगिक क्रिया विशेषण का के उदाहरण बनते हैं या यौगिक क्रिया विशेषण के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, वह कौन से शब्द होंगे, आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण अब आइए जरा देखते हैं, यहाँ वहाँ अब कब इतना उतना जहाँ जिससे इत्यादि, इस तरह से सर्वनाम के यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं। अब विशेषणों की द्विरिक्ति से आइए जरा देख लेते हैं कि विशेषणों की द्विरुक्ति से, द्विरुक्ति मैंने दो शब्दों का मेल, अब इसमें हो जाएगा जैसे विशेषण में, ठीक है, एक 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 व्यक्ति, ठीक है, एक एक ठीक ठाक, कैसे हैं आप, ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो, ठीक है, साफ साफ स्पष्ट, ठीक है, तो साफ साफ बोलिए क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से। तो क्रिया विशेषणों की अब आते हैं नेक्स्ट है कि क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से, यह था विशेषण था, अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के आधार पर बनने वाले यौगिक यौगिक क्रिया विशेषण आइए जरा देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, ठीक है, अब क्रिया विशेषण में जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्रिया विशेषण के जो शब्द देखे थे स्वतंत्र कैरेक्टर, उसी को सारा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, धीरे धीरे यहाँ वहाँ, ठीक है, जहाँ तहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ, तो इस तरह से क्रिया विशेषण के आधार पर हम लोग यौगिक क्रिया विशेषण को बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दो क्रिया विशेषणों के मेल से कैसे ये बनते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।